करीब 420 महीने लगे, 800 से ज्यादा तारीखें पड़ी, मगर जब सजा की बारी आई तो नतीजा सिफर निकला। 36 साल पहले जिन सांप्रदायिक दंगों से बिगड़ा था मेरठ का माहौल, उसमें अब कोर्ट का फैसला आया है और साक्ष्यों के अभाव में 39 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। वो साल था 1987, तारीख 14 अप्रैल, जब शबे बारात के दिन मेरठ पहली बार सुलगा था, सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। इस दंगे में 12 लोग मारे गए। घटना के तुरंत बाद कर्फ्यू लगा, समझा गया कि स्थिति संभल गई, मगर तनाव कम नहीं हुआ और 2 से 3 महीनों तक रुक रुक कर दंगों की आग सुलगती रही। अब आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरी कहानी बताते हैं कि कब कब और कहां कहां दंगे हुए और इसमें कितने लोग मारे गए। 14 अप्रैल के बाद 22 मई को हाशिमपुरा नरसंहार हुआ, इसमें 42 लोगों की हत्या की गई। हालांकि इस मामले में 2018 में 16 पीएसी जवानों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन इसके बाद 23 मई को हुए मलियाना नरसंहार में 63 लोग मारे गए। इसी केस में अब कोर्ट से फैसला आया है जो सुर्खियां बन रहा है, क्योंकि इस दंगे के लिए कोई दोषी करार नहीं दिया गया, सब बरी हो गए। पीड़ितों के अनुसार 23 मई 1987 को मलियाना नरसंहार हुआ था। दंगे में 68 लोगों की जान गई थी और 100 से अधिक घायल हुए। हमलावरों ने घरों में आग लगाकर जमकर लूटपाट की थी। मोहल्ले के याकूब की तरफ से 93 लोगों को नामजद करते हुए FIR दर्ज कराई गई। मुकदमे में 74 गवाह बने। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने आधिकारिक तौर पर 10 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की थी, जबकि तत्कालीन जिलाधिकारी ने जून 1987 के पहले सप्ताह में माना था कि पुलिस और पीएसी ने मलियाना में 15 लोगों की हत्या की थी। एक कुएं में भी कई शव बरामद किए गए थे। अब ADJ लखविंदर सिंह ने चर्चित मलियाना नरसंहार पर अपना फैसला सुनाया है। इस केस में आरोपी और पीड़ित पक्ष दोनों की तरफ से जमकर जिरह की गई थी। अदालत के सामने ये तथ्य रखा गया कि पुलिस ने आरोपियों पर झूठे आरोप लगाए हैं, मतदाता सूची के आधार पर उन्हें आरोपी बनाया गया, जबकि वो बेकसूर थे। जी भाई साहब, मैं तो आपको एक बात बता दूं कि 1987 से पहले, मैं 35 साल का था 1987 में, हमारे खिलाफ एक भी कोई ऐसा मामला नहीं है कि गाली देने का भी किसी का हो, या थाने में सिपाही के या चौकी में किसी ने हमें रिपोर्ट की हो, या कोई गांव में कह दे कि जहां हमारे से झगड़े। उसके बाद भी 1987 के बाद भी अब 36 साल हो गए, कोई भी आदमी ये पक्ष भी कह दे कि हमें गाली दी या हमसे कुछ कहा किसी बारे में, बिल्कुल आज तक नहीं। और बहुत अच्छा तालमेल रहा, जहाँ तक मेरा वो है याकूब जी से और दूसरे लोगों से भी हमारा बड़ा उठना बैठना रहा। तीज पे त्यौहार पे हमारे घर की 9 इंच की दीवार आगे आने के बाद पीछे मुसलमान बसे हुए, इधर पीछे मुसलमानों से, कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि कभी हमारा झगड़ा हुआ है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्यों ये ऐसा हुआ कि नाम लिखवा दिया कि जी आप भी गिरफ्तार हो गए, आप भी पकड़ लिए और ये हो गया, ये समझ में नहीं आ रहा। और तालमेल की मैं बात बताऊँ, याकूब जी कहें लड़की की शादी हुई, मुझे इन्विटेशन है, लड़के की शादी हुई, मुझे इन्विटेशन है, मेरे यहाँ बच्चों की शादी हुई, मैंने उनको इन्विटेशन भेजा, हुआ ही मैं भी उनकी बेटी के लिए यहाँ कन्यादान करके आया, वो भी मेरी बेटी के लिए कन्यादान कर। इस झगड़े के बाद अगर मेरे मन में यह होती कि हमारा नाम याकूब ने लिखाया है तो मेरे दिमाग में गलतफहमी होती कि यार याकूब, लेकिन सुनने में याकूब भी कह रहे थे भाई साहब हमने लिखवाया, इधर उधर लिखा जब भी कभी मुलाकात होती थी। अब वो मुझे आए परसों, जिस दिन ये सुनाया गया कि आप लोग रिहा कर दिए गए हो तो जो है और जो आपका केस खत्म हो गया, तो रात को 11 बजे आया याकूब मेरे पास, यहीं बैठे बहुत सारे लोग आए, याकूब ने मुझे धन्यवाद दिया, भारती जी आपको तो बेगुना फंसा रखा था, आपको इससे जो है आज़ादी मिल गई, आपको बधाई हो। बैठे हमारे यहाँ 1.5 घंटे, रात को 12 बजे तक बैठे रहे, कई सारे लोग थे, बिल्कुल तालमेल हमारे दिमाग में, बिल्कुल गुस्सा नहीं उनके प्रति भी, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि उनकी भी कोई मेरे नाम लिखवाने में गलती नहीं है, कहीं ना कहीं षड्यंत्र। 1984 में भी चुनाव लड़ा था, 84 में भी हसनापुर मेरे और सफ्ता कोई राजनीतिक रूप से मेरे खिलाफ सुने थे, 2-4 लोगों से नाम लिखवा दिए, किसी ने मेरे नाम में ये नहीं कहा कि कुछ इसने मारा है, मेरे चांटा मारा, ये मारा वो मारा, भाई ये कि राज भारती भी था जी कह देते थे। अब मैं तो यहाँ चुनाव लड़ा हूँ, पार्षद भी रहा हूँ, पहले वाले जब अरुण जैन साहब मेयर थे मैं पार्षद था, उसने 96 में MLA का चुनाव लड़ाऊँ बीजेपी से, 2001 में उपचुनाव लड़ाऊँ बीजेपी से, विभिन्न दायित्व पर रहा हूँ बीजेपी में, कुछ ना कुछ छोटे मोटे जिम्मेदारी मेरे पे रही है।
वहीं दूसरी तरफ पीड़ित पक्ष के लोगों के पास दिल दहला देने वाली अपनी यादें हैं। कोई उस वक्त बच्चा था जिसने अपने पिता की लाश देखी, तो किसी के घर में आग लगा दी गई, किसी के अपने को गोली मारकर पास की शुगर मिल में फेंक दिया गया और किसी के सारे अपने इस दंगे में मारे गए। कोर्ट के फैसला तो जो कोर्ट ने किया है, कोर्ट को जो लगा कोर्ट ने वो किया है, लेकिन हमें कहना यह है कि हमें जो हमारे लोग मरे हैं, जो हमारे मकान जले हैं, जो नुकसान हमारा हुआ है, हमें कुछ नहीं मिला, हम उसके लिए अपर कोर्ट जाएंगे। अब वहाँ से हम कोर्ट पे यकीन रखते हैं, यहाँ से अगर हमें जो है तो हमारा सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो हम आगे हाई कोर्ट जाएंगे, वहाँ से जो फैसला होगा मानेंगे उसको फैसले को। हम तो हिंदुस्तानी हैं, फैसले को मानने वाले हैं कोर्ट के, जो कोर्ट फैसला करेगा उसे मानेंगे। क्या मानते हैं कि पुलिस की कहीं इसमें ढीलम ढाली है, जैसे FIR की रिपोर्ट नहीं मिलनी, 36 PM थे वो भी इसके अंदर लगे, 73 लोग भी इंजर्ड थे? लापरवाही तो है, किसकी लापरवाही है, ये तो शासन प्रशासन का काम है देखने का। भाई उस FIR नहीं मिल रही, 36 PM लगे हुए हैं उसके अंदर, उनको किसने मार दिया जाए, तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उसमें जिन जिन चीज़ों से कत्ल हुए हैं, आला कत्लों का क्या हुआ, ये देखना तो सरकार का काम था, शासन का काम था, हम थोड़ी देखेंगे। हम तो पीड़ित हैं, हमने हमारे साथ हुआ, हमने FIR कराई, हमने जाके वहाँ कोर्ट में गवाहियाँ दी जाए, बाकी तो सरकार का काम है फैसला करना, उसमें जो है कोर्ट का काम है जो। हाँ सर, और भी यहाँ व्यक्ति हैं, क्या नाम आपका? मेरा नाम सलीम अख्तर सिद्दीकी है। अख्तर जी, बात करें 87 दंगे के लेकर के, कहते हैं कि अपर कोर्ट में भी जाने की तैयारी है, न्याय नहीं मिल पाया, मतलब जो लोग बहुत से लोग परिवार थे उजड़ गए, जो आज तक नहीं बसे, उनका दंश जो है पूरा पूरा परिवार भी खत्म हो गया, क्या मानते हैं सर? देखिए, ये तो पहली बात तो ये कि मैं ये कहूँगा कि शुरू से कहा जा रहा है कि दंगा था, ये दंगा नहीं था, ये सब एक तरफा था। जो पीड़ित पक्ष हैं उसके 73 लोग मारे गए, 106 घर जले थे, लूट मार हुई, बहुत सारे इंजर्ड हुए। दूसरा जो पक्ष है उसका ना कोई घर जला है, ना कोई मरा है, ना कोई जख्मी हुआ है। मुस्लिम पक्ष की पर कोई भी एक भी FIR नहीं है दंगे की, तब इसको पहले तो दंगा कहना बंद कीजिए। ये एक तरफा नरसंहार था, मुसलमानों का नरसंहार था, जो एक कलंक रहा हिंदुस्तान के ऊपर, बहुत बड़ा हादसा था, लेकिन बदकिस्मती से इसकी पैरवी ठीक नहीं हुई, या शासन प्रशासन ने या पुलिस ने कुछ ऐसे साक्ष्य नहीं जुटाए जो मुलजिमों को सजा दिला पाते। पीड़ित पक्ष अब मायूस है और ज्यादातर का कहना है कि वो इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, मगर सवाल ये भी है कि न्याय के इंतजार में आखिर इतना वक्त क्यों लग जाता है, जब ना आधे से ज्यादा आरोपी जिंदा बचे और ना ही पीड़ित पक्ष में इतनी हिम्मत कि वो आगे लड़ सके। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।